हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आपका इंतजार अब खत्म हो गया है क्योंकि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट के बीएफए और एमएफए के फॉर्म जल्द ही रिलीज होने वाले हैं और अब कम्प्लीटली कंफर्म हो गया है कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट का एफिलिएशन अंबेडकर यूनिवर्सिटी से हो गया है। ये अपडेट कम्प्लीटली ऑफिशियल है, चाहे आप जाकर अंबेडकर यूनिवर्सिटी की साइट पर चेक कर सकते हैं। साइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हालांकि अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी दिल्ली में ही है, इसको अब भी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ही बोला जाएगा, बट जब आपकी बैचलर कंप्लीट होगी तो उस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की जगह अंबेडकर यूनिवर्सिटी मेंशन होगा। मैं आज के एनबीटी के न्यूज़पेपर की कटिंग आपको दिखा देता हूं जिसमें ये न्यूज़ आई है, तो आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल साफ साफ मेंशन है कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी के साथ मर्ज हुआ डीयू का कॉलेज ऑफ आर्ट, एडमिशन के लिए जारी नोटिफिकेशन में दी जानकारी। तो इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली में कॉलेज ऑफ आर्ट को शामिल कर लिया गया है, इसकी जानकारी एयूडी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी करके दी गई है। दरअसल यूनिवर्सिटी की तरफ से नए सेशन 2022-23 में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन सचिव की तरफ से सेशन 2022-23 में एडमिशन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा है। इस नोटिस में लिखा है कि COA कॉलेज AUD यूनिवर्सिटी का पार्ट है। कॉलेज की वेबसाइट पर एडमिशन प्रक्रिया की जानकारी जल्द ही अपलोड की जाएंगी। डिग्री कोर्स के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है कि कॉलेज में दो डिग्री कोर्स होंगे, पहला बैचलर ऑफ फाइन आर्ट और दूसरा PG डिग्री कोर्स होगा। 4 साल के BFA को 2 पार्ट में बांटा गया है, पहले 2 सेमेस्टर में फाउंडेशन कोर्स और बाकी 6 सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा। वहीं 2 साल के MFA कोर्स में फाइन आर्ट्स में एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके अंदर अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग और विजुअल कम्युनिकेशन से संबंधित सब्जेक्ट होंगे। अकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी को 11 मई को जारी नोटिफिकेशन को तुरंत वापस लेने के लिए कहा है। बताया कि यह नोटिफिकेशन DU के नियमों की अवहेलना करता है। कहा है कि COA DU का अभिन्न अंग है। DU के 11 शिक्षकों ने मंगलवार को कुलपति योगेश सिंह को चिट्ठी लिखकर कॉलेज ऑफ आर्ट में प्रवेश प्रक्रिया अंबेडकर यूनिवर्सिटी के तहत शुरू किए जाने के मामले में दखल देने की मांग की है। शिक्षकों का कहना है कि कॉलेज ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल ने अकेडमिक सेशन 2022-23 के लिए औपचारिक रूप से अंबेडकर यूनिवर्सिटी के हिस्से के तौर पर BFA और MFA के लिए एडमिशन प्रक्रिया जारी कर दी है। जो नोटिफिकेशन अंबेडकर यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है अब मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये पहला नोटिस है जो कॉलेज ऑफ आर्ट के रिगार्डिंग है, जो 11 मई 2022 को रिलीज़ किया गया है। तो ये हम पढ़ लेते हैं। दिस इज हियरबाय इन्फॉर्म दैट द एडमिशन प्रोसेस फॉर वेरियस प्रोग्राम ऑफर्ड बाय द कॉलेज ऑफ आर्ट फॉर द एकेडमिक सेशन 2022-23 विल बी कैर्ड आउट अकॉर्डिंगली। द डिटेल ऑफ एडमिशन प्रोसेस विल बी अपलोडेड ऑन कॉलेज ऑफ आर्ट वेबसाइट। शायद ये हमारे काम का है नहीं तो हम इसे छोड़ देते हैं। अब हम नीचे स्क्रॉल करके चलते हैं, नीचे क्या लिखा है। तो यहाँ लिखा है डिग्री कोर्स बैचलर ऑफ फाइन आर्ट BFA। तो यहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट के बारे में डिटेल दी गई है कि कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई और इसमें कितने साल का कोर्स होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि फाउंडेशन 2 सेमेस्टर और स्पेशलाइजेशन लिखा हुआ है 6 सेमेस्टर। तो ये नीचे आप देख सकते हैं ए और बी में लिखा हुआ है। तो हम एक बार ऊपर भी देख लेते हैं कि क्या लिखा है। कॉलेज ऑफ आर्ट इज एन इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश्ड इन 1942 फॉर एडवांस ट्रेनिंग इन विजुअल आर्ट, क्रिएटिव एंड अप्लाइड। द BFA डिग्री ऑफर्ड इज फुल टाइम एंड ऑफ 4 ईयर ड्यूरेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग आर टू अचीव ओवरऑल रिफाइनमेंट ऑफ द स्टूडेंट परसेप्शन, नॉट कन्फाइंड टू द स्किल ऑफ द प्रोफेशन अलोन, बट ऑल्सो टू क्रिएट द राइट काइंड ऑफ इंटेलिजेंट एज वेल एज इमोशनल कल्टिवेशन टू अराइव एट द लेवल ऑफ कंपोजिट क्रिएटिविटी एंड। यहाँ पर फाउंडेशन और स्पेशलाइजेशन के बारे में मेंशन है। इसमें स्पेशलाइजेशन 6 होते हैं। पहला होता है अप्लाइड आर्ट, आर्ट हिस्ट्री और पेंटिंग, प्रिंट मेकिंग और स्कल्पचर और विजुअल कम्युनिकेशन। ये 6 स्पेशलाइजेशन हमारे BFA कोर्स में होते हैं और फाउंडेशन हमारा 1 ईयर का होता है, जिसमें हमें 6 की 6 स्पेशलाइजेशन पर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर MFA के बारे में दिया गया है मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। तो इसमें भी हम स्पेशलाइजेशन एक बार देख लेते हैं, अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो इसमें ये स्पेशलाइजेशन होते हैं।
मैं आपको एक और नोटिस दिखाता हूँ जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने 17 मई 2022 को रिलीज़ किया है, मतलब कल ही उसे रिलीज़ किया गया है। इसमें उन्होंने सीट्स के बारे में मेंशन किया है कि कौन सी स्पेशलाइजेशन में कितनी सीट्स हैं। सबसे ऊपर लिखा है कि एडमिशन प्रोसेस फॉर अकेडमिक ईयर 2022-23 फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफ कॉलेज ऑफ आर्ट न्यू दिल्ली। तो अब हम एक बार सीट्स के बारे में भी देख लेते हैं किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं। अप्लाइड आर्ट में है 131 और आर्ट हिस्ट्री में 33, पेंटिंग में है 67 और स्कल्पचर में है 26, प्रिंट मेकिंग में है 34 और विजुअल कम्युनिकेशन में भी 34 है। तो इतनी सीट्स कुल मिला के BFA कोर्स में होने वाली है इस बार। MFA में इस बार कितनी कितनी सीट्स होंगी उस बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो अप्लाइड आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, प्रिंट मेकिंग और विजुअल कम्युनिकेशन सभी में 15 सीट अवेलेबल हैं इस बार। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट को लेकर ये बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो आने वाले कुछ ही दिनों में अब BFA और MFA के फॉर्म रिलीज होने वाले हैं, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 17 मई को रिलीज़ किया गया था।